खबर रतलाम से, किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। कृषि उपज मंडी में खुले में रखा अनाज भीग गया। झमाझम बारिश के चलते अनाज भीग गया। मंडी के व्यापारियों का ये गेहूं है जो खुले में रखा हुआ था, बारिश आई और ये भीग गया। रतलाम की ये तस्वीरें हैं जहां भारी बारिश के चलते लाखों का जो गेहूं है जो खुले में रखा हुआ था वो भीग गया। मौसम विभाग बार बार अलर्ट जारी कर रहा था, बावजूद इसके कृषि उपज मंडी में खुले में ये गेहूं इसी तरह से रखा हुआ था। बारिश आई, झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ और ये पूरा गेहूं भीग गया। सुधीर जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट आ रहे हैं, प्री मानसून का ये सीजन है, इतनी एहतियात तो बरतनी चाहिए थी। सुधीर, देखिए, ये मैं कट कर दूं, एक्चुअली ये दरअसल ये जो गेहूं है ये व्यापारियों ने खरीदा था, किसान का गेहूं है और ये व्यापारियों का गेहूं भीगा है। दरअसल जो सरकारी खरीदी है ये वो वाला गेहूं नहीं है। हालांकि गेहूं किसी का भी हो, मेहनत किसान की होती है, व्यापारी की होती है, तो नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ पे व्यापारियों को ज्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंदेशा नहीं था कि जिस तरह से आज मौसम बताया गया था 42-43 डिग्री, वाकई तेज धूप थी, लेकिन एकाएक मौसम बना और किसान जो व्यापारी है वो अपनी उपज उठाते उसके पहले ही इंद्रदेव मेहरबान हो गए। आधे घंटे तक के झमाझम बारिश का दौर चला, आंधी तूफान आया, लेकिन व्यापारी अपना माल समेट नहीं पाए। और आप खुद देख सकते हैं वीडियो में किस तरह सैकड़ों क्विंटल गेहूं जो खुले में रखा हुआ था वो आज जो है ये पानी की भेंट चढ़ गया, व्यापारियों को लाखों रुपए का यहाँ पे नुकसान हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर अनूपपुर से, यहां के पुष्पराजगढ़ में आंधी और बारिश ने कहर बरपाया। पहले तो तेज हवा और आंधी से कई छप्पर और सीट उड़ गई और उसके बाद झमाझम बारिश के चलते घरों में पानी भर गया। प्रभावित परिवार अपना सामान समेट नहीं पाए, आनन फानन में पड़ोसियों के घर का सहारा लेना पड़ा। अब तक प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई सुध नहीं ली गई है। मेरे घर का पूरा सीट उठ फेंका गया है और लकड़ी बुटकी सब। कैसे हुआ? आंधी तूफान से। कोई अभी देखने आया? नहीं। किसको आपने सूचना दी? सरपंच को भी सूचना दी, अभी अब तक नहीं आया, कल फोन लगाए थे। तूफान से घर उड़ गया। कब तूफान आया था? कल 3 बजे। कितना नुकसान हुआ? पूरा घर उड़ गया। पूरा घर उड़ गया। कोई देखने आया, अधिकारी, सरपंच, सेक्रेटरी? कोई नहीं आया। और गरियाबंद में हाथी की दहशत सामने आई है। धमतरी से गरियाबंद हाथी पहुंचा हुआ है। पांडुका वन क्षेत्र के पोंड गांव में हाथी की दहशत। 20 से ज्यादा गांव में वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यह हाथी अब तक कई लोगों की जान ले चुका है और अब जब यह गरियाबंद पहुंचा है तो दहशत जारी है। धमतरी से गरियाबंद यह हाथी पहुंचा है, कई लोगों की जान इसने ली है। गरियाबंद में हाथी की दहशत, अब तक कई लोगों की ये जान ले चुका है। यही वजह है कि एहतियातन आसपास के गांव में भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। धमतरी से होता हुआ गरियाबंद के पांडुका वन क्षेत्र के पोंड गांव में ये हाथी पहुंच गया है और यही वजह है कि एहतियातन आसपास के इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। शेख इमरान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख इमरान, क्या अपडेट हाथी को लेकर? जी देखिए, एक जो दंतैल हाथी है वो काफी दिनों से धमतरी जिले में था, वह जो है आज पैरी नदी को पार कर गरियाबंद जिले में अचानक पहुंच गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत आ गई और ग्राम पोड़ में ही इस वक्त हाथी मौजूद है। हाथी जब यहाँ धमका तो काफी ज्यादा ग्रामीण डर गए, क्योंकि ये हाथी अकेले में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कई लोगों की जान ये ले चुका है।
इसको देखते हुए वन विभाग ने तत्काल गांव पहुंचकर लोगों को मुनादी करते हुए अलर्ट किया है कि वो किसी भी काम होती है वो घर से ना निकले और खेतों की ओर ना जाए, जंगल की ओर ना जाए, क्योंकि हाथी बेहद ही ज्यादा खतरनाक है और एहतियातन के तौर पर लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया है। साथ ही अलग अलग गांव में जाकर लगातार मुनादी किया जा रहा है। जो दंतैल हाथी है इस वक्त जो है पोण पांडुका वन परिक्षेत्र के पोण गांव के आसपास मौजूद है। इसकी गति लगातार बढ़ते जा रहा है, एक गांव से दूसरी गांव दूसरे गांव की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए वन विभाग लगातार ग्रामीणों को सतर्क कर रहा है। जी चलिए धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बिलासपुर में सट्टा पर बड़ी कार्रवाई हुई है। रेड्डी अन्ना ऑनलाइन सट्टे पर बड़ा एक्शन लिया गया, दो सट्टेरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास एक खास बात जो इस मामले को और गंभीर बनाती है वो ये कि आरोपियों के पास से पासपोर्ट बरामद हुआ है। श्रीलंका का इमिग्रेशन लगा पासपोर्ट बरामद हुआ है। 4 लैपटॉप, 27 मोबाइल बरामद हुए, 170 से ज्यादा सिम कार्ड हैं, पासबुक हैं, चेक हैं, एटीएम कार्ड। एक आरोपी इस मामले में फरार। ऑनलाइन सट्टा पर बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। इस वक्त मेरे साथ एसपी रजनीश सिंह है। सर, किस तरीके से इस पूरे मिशन को कामयाब किया आप लोगों ने, क्या प्लानिंग? देखिए, हमारी जिला पुलिस बिलासपुर की पुलिस ने लगातार पिछले आईपीएल जो चल रहा था तब से हम लोग ट्रेस कर रहे थे। ऑनलाइन गेमिंग में कई लोग इस तरीके की सूचनाएं आ रही थी और हम लोगों ने अभी इसमें ट्रेस कर 3 आरोपी हैं, जिसमें से 2 आरोपी दीपक यादव और संजय जायसवाल को पकड़ा है और विकास अग्रवाल इसमें मुख्य आरोपी कोटा का रहने वाला वो फरार है। और इनका जो हेडक्वार्टर है जो दुबई में है इनका, और ये रेड्डी अन्ना गेमिंग ऐप के माध्यम से ये लोग पैनल चला रहे थे। पहले ये लोग श्रीलंका में चला रहे थे, फिर बाद में ये मनाली में हिमाचल में चला रहे थे और फिर वहाँ कुछ स्थानीय विवाद हुआ तो अभी ये बिलासपुर शिफ्ट हुए थे। तो इनके यहाँ रेड की गई है ट्रेस करके और इनसे काफ़ी सिम और ढेर सारे मोबाइल, ढेर सारे लैपटॉप, अकाउंट नंबर और कुछ रॉ रिकॉर्ड्स मिले हैं, उसमें करोड़ों के लेन देन हैं। तो इस तरीके से और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।